कराता हूँ आपको रिएक्शन चेक। ये देखो भाई रिएक्शन कैसे भाई वो यार वीडियो चला के देख रहा भाई कितने होटल से निकलेंगे हम लोग सुबह कार मार्केट में भाई मैं सुबह रिएक्शन देख रहा कैसे भाई कैसे रिएक्शन दे दिया बच्चे यार। Hey, good morning, welcome back to Rajasthani Moto Vlog। और सो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करें सीधी अपनी बाइक से। और यार अभी जो है भाई हम लोग जा रहे हैं सांगने की तरफ भाई, पीछे भाई पेट्रोल वगैरह सब कुछ फिल करवा लिया भाई, पूरे दो दिन बाद पेट्रोल फिल करवाया। वैसे तो भाई हम लोग यार इस गली से आते लेकिन भाई हमको जो है आज थोड़ा घूम के आना पड़ा क्योंकि भाई इस वाली रोड पे ना कोई पेट्रोल पंप है नहीं यार। अगर है तो भाई वो तो आगे मतलब गोबरपुर बाईपास में जाके वहाँ मिलेगा हमको पेट्रोल पंप। इस वजह से भाई यार थोड़ा सा चक्कर काट के आना पड़ा। तो भाई देख सकते हो अभी आ चुके हम लोग KTM के शोरूम के सामने। सामने आपको दिख रहा होगा, अभी तो नहीं दिख रहा होगा, पेड़ आ रहा है बीच में। तो भाई इस रोड पर ना आपको काफ़ी सारे शोरूम देखने को मिल जाते हैं, जैसे भाई KTM का, फिर जावा का गया था, जावा की बुलेट आती है बुलेट जिसके। और भाई यार ग्रीन सिग्नल भी हो गया तो फटाफट से निकल लेते हैं, पता नहीं भाई कभी बहुत टाइम बताया इसमें। चलो भाई यार आज तो भाई किस्मत थोड़ी अच्छी थी इस वजह से निकल चुके भाई। तो चलो फटाफट से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे गोपालपुर बाईपास में। एंजॉय करना ब्लॉग को, काफ़ी मज़ा आएगा आपका इस ब्लॉग में। चलो निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे जा करके। सो गाइस यार अभी जो भाई हम लोग आ चुके रिएक्शन पॉइंट पे। और भाई आज यार थोड़ा बहुत ट्रैफिक भाई दिख रहा है मेरे को, यानी कि भाई रिएक्शन आ सकते हैं। तो भाई कराता हूँ आप सबको रिएक्शन चेक। ये देखो भाई रिएक्शन कैसे भाई वो यार वीडियो टिका के देख रहा था भाई। तो वही आगे भी देखते कोई रिएक्शन मिल रहा था, ऑटो वाले दिखाते आप सबको भाई रिएक्शन। देखो भाई ऑटो वाले कैसे देख रहे हैं यार। ठीक है तो चलते हैं भाई फटाफट से रिएक्शन चेक करता हूँ आप सबको भाई। ये देखो यार अरे 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 कैसे गेट खोला भाई बीच में से यार, भिड़ती भी। तो भाई यार देख रहे कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे भाई क्राउड होता है यार, मतलब हर जगह भाई यहाँ पे आप कोई भी आओगे ना इतने ज़्यादा स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई यहाँ पे इसको ट्रेन चल रही ना वैसे भाई लोग जा रहे थे यहाँ से लेकर के भाई कितनी आगे तक। ये देखो भाई रिएक्शन चेक करो, ये देख रहे हो रिएक्शन। तो चलो भाई यार फटाफट से यार हम लोग जो है ना भाई अपने क्लासेस कंप्लीट करते हैं। और भाई यार आज हमारे एक क्लास नहीं है यानी कि केवल 3 घंटे क्लास है, तो 3 घंटे भाई समाप्त करते कैसे कैसे करके और फिर निकलेंगे सीधा से टनल में और टनल से जाएंगे सीधा से कार मार्केट। नहीं कार चेक करूँगा आप सबको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना ठीक है। तो पहले क्लासेस कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस सर अभी जो भाई हम लोग निकल चुके कोचिंग से भाई, क्लासेस सारी कंप्लीट हो चुकी है। और भाई यार आज सैटरडे यानी कि भाई कल संडे, तो भाई कल छुट्टी रहेगी। इस वजह से भाई यार निकल चुके भाई हम लोग जा रहे हैं यहाँ सीधा गोपालपुर बाईपास तरफ। तो भाई यहाँ से जो है हमें जाना पड़ेगा सीधा टनल के पास में और टनल से निकलेंगे हम लोग सीधा कार मार्केट में। भाई बच्चों का रिएक्शन देखो यार कैसे भाई कैसे रिएक्शन दे दिया बच्चे भी यार। ऐसा पता नहीं क्या मतलब ऐसे देखते भी क्यों चीज़ लगा रखे यार भैया लोग, क्या लगा रखे। तो चलो भाई ट्रैफिक देखो भाई कितना ट्रैफिक हो रहा है, लेकिन भाई निकलना तो पड़ेगा यार। और भाई 3-4 दिन में देखो भाई कितनी ज़्यादा धूप आने लग गया यार आजकल। तो चलो भाई फटाफट से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे टनल के पास में। ये देखो भाई क्या मारे हो रहे, वाह भाई वाह। देखो ब्लू दो भाई दो चीज़ एक साथ दिखी यार। सब निकलते मिलते आपसे आगे जा करके। तो गाइस यार अभी जो है भाई हम लोग आज के टनल में देख सकते हैं आप लोग भाई यहाँ पे जो है गुजरे थोड़ी बड़ी टनल है। और भाई यार यहाँ पर भाई ट्रैफिक देखो भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक भाई आज से तो यार मैंने कमेंट देखा इसके अंदर। देखो भाई इतनी सारी गाड़ी जा रही है ना, आवाज़ देखो भाई कैसे घूमती यार अंदर खतरनाक यार। क्योंकि भाई सबको भाई फ़ायदा मिलता है यहाँ से, अगर आप सीधा चले जाते हैं ना ऊपर से वैसे हम लोग आ सकते हैं, लेकिन भाई ऊपर से भाई कितना शोर करता है टेम्पो यार ये। ऊपर से भी आ सकते हैं, ऊपर भाई ट्रैफिक लाइट इसकी वजह से रुकना पड़ता है, सब लोग भाई इसकी वजह से नीचे जा रहे थे। और भाई यहाँ पे भी ट्रैफिक लाइट स्टार्ट हो गया अब तो भाई पता नहीं क्या चक्कर है। तो चलो भाई निकलते हैं अभी यहाँ से, मिलते हैं आपसे आगे। और अभी चलेंगे ना भाई यहाँ से हम कार मार्केट में, नई कार चेक करता हूँ आपको भाई, देखते हैं कौन सी कार आई है यार। भाई इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना वहाँ पर जाने में, बस करीबन छोटी सी जगह है लेकिन भाई वहाँ पर कार देखने का अलग ही मज़ा आता है। इतनी लग्जरी कार दिखाता हूँ ना भाई सच में यार, मेरे को दिखाने का मज़ा आता है आप सबको। और मैं खुद देखता हूँ भाई इतना मज़ा आता है सच में। तो बस पहुँचने वाले कार मार्केट निकलते हैं फटाफट से, मिलते हैं आपसे कार मार्केट में। सो गए सर अभी जो भाई हम लोग आ जो है कार मार्केट में। और भाई देखो यार ट्रैफिक, लेकिन भाई आज तो नहीं हो रहा यार, आज निकल भी नहीं सकते भाई यार, क्योंकि भाई गाड़ियाँ रुकना बंद हो गई यार। तो चलो भाई देखो सामने आपको दिख रहा होगा कार मार्केट, तो भाई निकलते यार देखते भाई, कोई दिख तो नहीं रही वैसे, नई नई गाड़ियाँ दिख रही है भाई, दिख रही भाई तो रेड लाइट तोड़ दिया यार। चलो अपने चलते भाई फिर निकल लेंगे। तो चलो भाई देखा तो आप सबको नई नई गाड़ी यार, देखते हैं यहाँ पे कौन सी गाड़ी दिखती है। ये देखो भाई ये कौन सी, BMW रेंज रोवर हाइलक्स ऑडी। ये देखो भाई ये नई गाड़ी है यार से, तो 330 BMW। ये देखो भाई X1, आज मैंने आपको सुबह दिखाई थी X4, ये X1 दिखा दी भाई आपको। यहाँ पे देखो कितनी जल्दी गाड़ी खड़ी थी भाई यहाँ पे, क्रेजी भाई। और जितनी आपको गाड़ी दिखती है भाई सारी के सारी सेकेंड हैंड भाई। देखो यार यहाँ पे यहाँ से भाई कितने दूर आ चुका हूँ देख सकते हो आपको भाई, कहाँ से मैंने स्टार्ट करा था और कहाँ पे आ चुका हूँ देखो यहाँ पे। लेकिन भाई अभी भी गाड़ियाँ जो है दिखना बंद नहीं हो रही। देखो भाई यहाँ पे एक शोरूम भी है, पता नहीं कौन सी कंपनी का नेक्स्ट ऑनर है देखा हुआ है। तो चलो भाई ट्रैफिक भाई कितना दूर हो रहा है। और भाई एक गाड़ी और चेक करता हूँ भाई, चलती हुई गाड़ी है देखो यार, ये देखो
ये देखो भाई कौन सी मर्सिडीज की है, ये GL कौन सी आ रही है, GLA 250D। बताना भाई आप लोग मुझे कमेंट करके भाई कैसी लुक यार इस गाड़ी की, ठीक है। तो चलो भाई यार आज के ब्लॉग को जो है इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट मोटो ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।